गुड इवनिंग दोस्तों, टारगेट विथ अजय सर क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे अभी इम्पोर्टेंट्स करेंट अफेयर और साइंस के की सीरीज चल रही है। जो हमारे यहाँ ये साइंस की सीरीज चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको कहीं पर नहीं ऐसी सीरीज मिलेगी जो साइंस की यहाँ पर चल रही है, क्योंकि ये एक तरह से जो हमारे आने वाले आगामी एग्ज़ाम हैं, स्पेशली फॉर टीचिंग DSSP, KBS, BU और जो भी एनोरस एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहें और आप देखिएगा कि जो भी हमारा पेपर हो, उसमें आपको काफ़ी से फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और पढ़ते रहें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? ए न्यूटन, बी मेंडल, सी डार्विन, डी आर्किमिडीज। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी डार्विन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक वर्ल्ड वार से विशेष संबंध था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राकृतिक वर्ल्ड वार से विशेष संबंध किसका था? ए चार्ल्स डार्विन का था, बी रॉबर्ट हुक का था, सी डी ब्रिज का था, डी लैमार्क था। प्राकृतिक वर्णवाद का संबंध किससे था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड का, ए चार्ल्स डार्विन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो आप बस क्वेश्चन का ऐसे ही लुप्त उठाते रहें, मजे से पढ़ें, टेंशन बिल्कुल ना लें। हम यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सारे साइंस के, करेंट अफेयर्स के, जो भी हिंदी के, रीजनिंग के, सब कुछ आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो आप स्ट्रेस ना लें और आराम से मज़े से स्टडी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक हैं ए मेंडल, बी लेमार्क, सी डार्विन, डी डिब्रिज। अपना आंसर दें, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का, बी लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? ए विसूचिका, बी आंतज्वर, सी चेचक, डी लकवा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम में, लगभग हर एक एग्ज़ाम में, UPSC हो, UPSC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, सब में ये पूछे जाते हैं। आप पेपर, क्वेश्चन पेपर कोई सा भी उठा के देखिएगा, हर सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा और ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हमारा फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा सी चेचक। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? चेचक से। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? ए लुई पाश्चर, बी ल्यूएन हॉक, सी रॉबर्ट हुक, डी टोरी सेली। राइट आंसर दीजिएगा। आपको यहाँ पे मैं लगभग सबका एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो जीवाणु की यहाँ पे खोज की गई है, ये ल्यूएन हॉक के द्वारा की गई है। लुईस पाश्चर ने किसका खोज किया था? अभी आपको ऊपर बताया मैंने, लुईस पाश्चर ने किसका खोज किया था? रेबीज के टीके का। ये रेबीज के टीके के खोज करता है लुईस पाश्चर, रेबीज के टीके। रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज करता है रॉबर्ट हुक। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर दीजिएगा अपना, ए ओचोवा ने, बी कॉनबर्ग ने, सी लेमार्क ने, डी विस्वेन ने। आपको बता देते हैं, डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था वो कॉनबर्ग ने किया था। अगर इंडिया की बात की जाए तो खुराना, इंडिया में खुराना ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लॉमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लॉमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए मेंडल ने, बी मॉर्गन ने, सी मैक्लिंटॉक ने, डी हर्स्ट ने। दोस्तों आपसे बस एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग देखते तो हैं वीडियो, लेकिन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें, ताकि हम आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेवन का सी मैक्लिंटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता है मेंडल्स ने लगभग मटर के हजारों प्रजातियों पर रिसर्च किया था और यही अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता भी हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। यह बायोलॉजी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अरस्तु। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? ए मेंडल, बी कोनेंस, सी मूलर, डी वॉटसन। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? वही सेम आंसर आपका होगा, ऑप्शन ए इज राइट, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी लुई पाश्चर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी लिस्टर। रेबीज के टीके की खोज, अपना आंसर दीजिएगा। अभी आपको मैंने ऊपर ही बताया था रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, फिर बता देता हूँ, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अब पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है ना, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफ जी वेंटिंग ने, स्लीडेन एवं स्वान ने, सी ब्राउन ने, डी हुक ने। ऐसे क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं मिलेंगे, तो कृपया आप बहुत ध्यान से देखिए। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था स्लीडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है? ए लिस्टर, बी जेनर, सी पाश्चर, डी हार्वे। आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ, सारे जो भी हमारे ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन में कर देता हूँ। लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक के सर्जरी के जनक कौन है? लिस्टर है। एडवर्ड जेनर बताइए कमेंट में। एडवर्ड जेनर हमारे चेचक के टीके के हैं, अभी आपको मैंने बताया। लुईस पाश्चर आपके रेबीज के टीके के हैं। विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, रक्त परिसंचरण। याद रखेंगे आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर हैं, एडवर्ड जेनर चेचक हैं, लुईस पाश्चर हैं रेबीज के, और विलियम हार्वे हैं यहाँ पे रक्त परिसंचरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त समूह का आविष्कारक है? ए लैंड स्किनर, बी विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट कोच, डी लुईस पाश्चर। आपको मैं यहाँ रिवीजन कराता रहूँगा, तो कृपया हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको बहुत यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। हम आपको हर तरीके क्वेश्चन कराएंगे, फिजिक्स भी कराएंगे, केमिस्ट्री भी कराएंगे, बायो भी कराएंगे, करेंट अफेयर भी कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे, और आपके CDP भी कराएंगे। तो लाइन पर बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। रक्त समूह का आविष्कारक, रक्त समूह की यहाँ बात हो रही है। अगर रक्त परिसंचरण की बात हो जाए, रक्त परिसंचरण की बात हो तो विलियम हार्वे आएंगे, रक्त समूह की बात हो तो लैंड स्किनर आएंगे, कोशिका की बात हो तो रॉबर्ट कोच आएंगे, और अगर यहाँ पे रेबीज के टीके की बात हो लुईस पाश्चर आएंगे, चेचक की टीके की बात हो तो एडवर्ड जेनर आएंगे, चेचक के टीके की बात हो एडवर्ड जेनर आएंगे, रेबीज के टीके की बात हो लुईस पाश्चर आएंगे, कोशिका की बात हो तो रॉबर्ट कोच आएंगे, रक्त समूह की बात हो तो विलियम हार्वे आएंगे, एंड रक्त परिसंचरण की बात हो तो लैंड स्किनर आएंगे, रक्त समूह की बात हो तो लैंड स्किनर आएंगे, रक्त परिसंचरण की बात हो तो विलियम हार्वे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपके लिए, लेकिन आप लोगों ने
कमेंट बॉक्स में किसी ने, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद ही किसी ने दिया होगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो अब प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके लिए क्वेश्चन दिया जाओ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जवाब दे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे से क्या कमियाँ रह गई, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स अवश्य प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम खुद को और हम अपने वीडियो में कुछ ला सकें। तो जो क्वेश्चन मैंने कल पूछा था उसका आंसर आपको मैं बता देता हूं। मैंने क्वेश्चन किया था औषधियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, औषधियों से संबंधित विज्ञान, जैसा कि आप देख रहे हैं औषधियों से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है फार्माकोलॉजी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, औषधियों से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। अब कल के लिए आप, मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला अफजाई करें। ये क्वेश्चन है आपका, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ए पाश्चर द्वारा, बी अरस्तु द्वारा, सी मेंडल द्वारा, डी डार्विन द्वारा। विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, आप अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव, रिक्वेस्ट और अपना आंसर ज़रूर दें, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। और कि आप देख रहे हैं हमारा यह नया चैनल, पहले हम इस चैनल पे वीडियो बनाते थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, तो फिर से हम शुरू किए। आपसे रेगुलर आपके सिलेक्शन थे, हर एग्ज़ाम तक आपके सिलेक्शन तक हम जुड़े रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जाएं और टारगेट विथ अजय सर के नाम से उसमें सर्च ऑप्शन में टारगेट विथ अजय सर लिखें, सेम स्पेलिंग के साथ लिखें, हमारा चैनल आ जाएगा, लोगो भी दिख जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो तो यहाँ अपडेट करते हैं लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो हम वहाँ पे वहाँ पे ग्रुप में आप ऐड रहेंगे, हम वीडियो जब भी यहाँ से अपलोड करेंगे आपको लिंक दे देंगे और आप हमारा वीडियो इजीली देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।